सभी संतों महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धनंकार जी बख्श लेना जी, अपने चरणों से लगाए रखना। दासी की कोई औकात नहीं है कि दासी कुछ कर पाए। वैसे दासी आज आप जी के सामने पहली बार आई है वीडियो के रूप में, हिम्मत तो नहीं होता करने को, लेकिन दासी सोची कि आप जी ने जो सिखाए हो, जिस रास्ते पर चलना सिखाए हो, जैसे रहना सिखाए हो, इस जीवन को जैसे जीना सिखाए हो, वो सब अपने वीडियो के रूप में जितने भी भाई बहन मिले सबको उचित बता पाए, दिखा पाए और ऐसा कर्म कर पाए जैसा आप जी चाहते हो, जिस रास्ते पे ले जाना चाहते हो, और सच्चाई के मार्ग को चुनूं और बुराइयों के मार्ग को इग्नोर करते हुए सच्चाइयों के रास्ते पे चलते जाएं और परमात्मा की भक्ति करते जाएं। इस निरंकार का हर पल जितना शुक्राना कर पाए, हर पल शुक्राना करते रहें और हर पल मुस्कुराते हुए जीवन व्यतीत करें। तो कृपा करना जी, दासी का पहला वीडियो और अपने चरणों से लगाए रखना और भरपूर आशीर्वाद देना अपनी बेटी अपनी बहन को, बख्श लेना जी। खी संतो जी, दासी ने पहला वीडियो खेत में आके अकेले में डाली है। देखिए थोड़ा सा डर सा लगा रहता है, क्या बोलना है कैसे बोलना है, तो आप जी हिम्मत बख्शना कि दासी अच्छे से अच्छा काम करते हुए अच्छा वीडियो अपलोड कर पाए और गुरमत में रह के हर एक वीडियो अपलोड करे और आप जी के सिखलाई को अपने जीवन में उतार पाए, ऐसा कृपा करना रहमत करना जी। देखिए इधर धान है, इधर तालाब है और आप जी को क्या दिखाएं, वैसे बहुत ही हरियाली है, बहुत ही अच्छा नज़ारा है और बहुत ही प्यारा हवा चल रहा है, बहुत ही अच्छी हवा चल रही है। गांव की हवा तो बहुत ही अच्छी होती है और यहाँ पे बीमार लोग भी बहुत ही बेहतर फील करते हैं, यहाँ पे अच्छा फील करते हैं, उनकी तबीयत भी ठीक रहती है। अभी दासी की भी तबीयत ठीक नहीं थी लेकिन यहाँ पे आने के बाद बहुत ही अच्छा फील की। तो देखिए कितना प्यारा नज़ारा है और संतो अपने चरणों से लगाए रखना और बख्श लेना जी। वीडियो यहीं तक रहेगा और सभी महापुरुषों के पावन पवित्र चरणों में दासी का प्यार भरा धनंकार जी, संतो बख्श ले।